दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। इस महीने की शुरुआत से चल रही लू के बीच बारिश से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन अचानक बिगड़े मौसम के मिजाज ने लोगों की टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है। हिमाचल से लेकर असम तक हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। शनिवार को हरियाणा के पंचकूला से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां सड़क मंगोली में अचानक उफान से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दरअसल पंचकूला के खड़क मंगोली में एक मंदिर में माता टेकने के लिए आई एक महिला की कार पानी की उफनती लहरों में बह गई। कार में महिला चालक और उसकी माता सवार थी, तभी नदी में अचानक उफान से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और नदी के किनारे खड़ी गाड़ी नदी की उफनती लहरों में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही पंचकूला पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर अलर्ट मोड पर आ गई और महज कुछ ही देर में महिला की गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अगली तस्वीर हिमाचल के कुल्लू से है, जहां कुल्लू में भारी बारिश के कारण 8 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ये वाहन खड्डे किनारे पार्किंग में खड़े किए गए थे, तभी भारी बारिश होने से सभी वाहन पानी में बहकर फंस गए। बाद में जेसीबी से सभी वाहनों को खड्डे से बाहर निकाला गया। बारिश के बाद आई बाढ़ से वाहनों के परिचालन प्रभावित हुए हैं। वहीं अगली तस्वीर हिमाचल के मंडी से आई है, जहां रविवार शाम के समय मंडी जिला के 4 मील 7 मील और खोती नाला के पास भूस्खलन होने के कारण हाईवे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। सबसे पहले खोती नाला के पास बाढ़ आ गई और पानी हाईवे पर बने पुल के ऊपर से बहने लगा। जितने में पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ, उतने में इसके पास ही पहाड़ी से पत्थर आ गिरे और हाईवे बंद हो गया। वहीं 4 मील और 7 मील के पास भी पहाड़ी से मलबा आने के बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं अगली तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की है। रविवार को जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। नदी नाले गली मोहल्ले तक हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा था। यहां तक कि सड़क से लेकर लोगों के घरों तक पानी घुस गया। मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की साफ सफाई की पोल खोल कर रख दी। अगली तस्वीर राजस्थान के श्रीगंगानगर की है, जहां भारी बारिश से सड़कों पर पानी पानी दिख रहा है। भारी बारिश के बाद श्रीगंगानगर शहर के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव हो गया। सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ दिख रहा है। वहीं दिल्ली और मुंबई में मॉनसून ने एक साथ एंट्री मारी है। मॉनसून की पहली बारिश में मुंबई में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारी बारिश के बीच विले पार्ले इलाके में एक 3 मंजिला इमारत की बालकनी भरभराकर सड़क पर आ गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले रविवार को सुबह घाट कोपर इलाके में 3 मंजिला आवासीय इमारत का एक हिस्सा ढह गया था। इस दौरान 3री मंजिल से 4 व्यक्तियों को निकाल लिया गया। एक तरफ जहां पहली बारिश में ही लोगों की दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असम में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। असम में बाढ़ ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। 9 जिलों में 4 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बक्सा, उदलगुरी, नलबाड़ी, लखीमपुर, कामरूप, गोलपारा, धुबरी, दरांग, बारपेटा जिले की 4 लाख से ज्यादा जनता प्रभावित है। लोगों को राहत के लिए 101 शिविरों का संचालन किया जा रहा है। यहां पर 81,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। 5 जिलों में 119 राहत वितरण केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।